नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी जॉब ज्ञान पर। मैं हूँ रामेश अली और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी ICF की ओर से 680 वैकेंसी निकाली गई है। ये जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर शेयर किया गया है, ये एम्प्लॉयमेंट का नहीं, एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो कि 1 साल से 2 साल का होता है, जिसमें कुछ स्टाइपेंड दिया जाता है। मैं एक बार फिर से बता दूँ कि ये नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार का नहीं, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का है। तो इस वीडियो में इस जो नोटिफिकेशन PDF ऑफिशियल वेबसाइट जो इनकी pb.icf.gov.in है, इस पर प्रोवाइड किया गया था। इस पीडीएफ के थ्रू मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा कि क्या एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है, कब से लेकर कब तक आपको अप्लाई करने का टाइम रहेगा, एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एक्सपीरियंस या फ्रेशर्स किसको लिया जाएगा, किन किन पोस्ट पर कितनी वैकेंसीज़ हैं, इन सारी चीज़ों का डिटेल में इस वीडियो में बात करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। किसी भी तरह का डाउट आए वीडियो के बीच में, किसी भी तरह का क्वेरी आए, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम @theramishali है, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप हमारे खबरें विद्यार्थी का व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंड अब बढ़ते हैं इस PDF की ओर, जो कि pb.icf.gov.in इनके ऑफिशियल वेबसाइट यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रोवाइड कराई गई थी, जिसका नोटिफिकेशन नंबर app.01/2024-2025 था। एंड इसमें साफ साफ लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल किया जाएगा, 21 जून तक के आपके पास टाइम है, शाम 5:30 बजे तक आप अप्लाई कर सकेंगे। 21 जून लास्ट डेट है। एंड ये 22 मई 2024 9:30 बजे से फॉर्म फिल किया जा रहा है। इसमें ये फॉर्म में ये चीज़ गलत लिखी है, 9:30 आवर्स जो लिखा है ना, ये आवर्स की जगह AM है, एंड यहाँ पर ये PM है, ठीक है। इसके बाद यहाँ इस टेबल के अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं आपको 670 वैकेंसीज इसमें हैं, एंड 10 वैकेंसीज MLT रेडियोलॉजी, MLT पैथोलॉजी एंड पासा, ठीक है। टोटल 680 वैकेंसीज हैं, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मैकेनिस्ट, पेंटर, वेल्डर, इन सब के लिए टोटल इन्होंने 670 इधर और 10 इधर, टोटल 680 वैकेंसीज रखी है एक्सपीरियंसड ITI एंड फ्रेशर्स के लिए। आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इस PDF का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से PDF चेक कर लीजिएगा। एंड अब बढ़ते हैं इस नोट सेक्शन की ओर। नोट में साफ साफ लिखा है कि जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखा है या डिप्लोमा या किसी तरह का ऐसा कोर्स कर रखा है, वो सारे एलिजिबल नहीं होंगे अप्लाई करने के लिए। एंड इसके बाद यहाँ पर जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, यह नोटिफिकेशन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का है, ना कि एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। और किसी भी तरह का क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओनली ऑफिस आवर्स में इन्होंने ऑफिस आवर अपना दे रखा है 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच में, ओनली वीकडेज यानी मंडे टू फ्राइडे, एंड सैटरडे को आप 9:30 बजे से लेकर 12:25 तक कॉल कर सकते हैं और क्लैरिफिकेशन आप कर सकते हैं इस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को लेकर। एंड इसके बाद इन्होंने यहाँ पर डिसेबिलिटीज़ वालों के लिए सर्टिफिकेट का बता रखा है कि लो विज़न, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, सेरेब्रल पल्सी, इन सभी अगर आपका इसमें से कुछ भी है तो आपके पास एक PWBD यानी पर्सन विथ फिजिकल डिसेबिलिटीज़ का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस का, तो आपका एज क्राइटेरिया जो है, एज लिमिट देखा जाएगा 21 जून 2024 के हिसाब से। एंड जो कैंडिडेट्स ITI कर रखे हैं और उन्होंने अप्लाई कर रखा होगा, तो उनकी मिनिमम एज 15 साल एंड मैक्सिमम एज 24 साल होनी चाहिए, मतलब 15 से 24 के बीच में होनी चाहिए, 15 से कम या 24 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो नॉन ITI कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मिनिमम 15 और मैक्सिमम 22 साल रखा गया है। इसके साथ ही अपर एज लिमिट यानी एज रिलैक्सेशन में, जैसे कि मतलब गवर्नमेंट जो लगभग सभी गवर्नमेंट जॉब में ये दिया जाता है कि OBC के लिए 3 साल एंड SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन, जो कि इसमें भी है, ठीक है। इसके बाद फिजिकल डिसेबिलिटी वाले जो PWBD कैटेगरी के अंडर आते हैं, उन्हें 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एंड अब बढ़ते हैं आगे एज ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ओर, जिसमें एक्सपीरियंस ITI के लिए इन्होंने फिटर, इलेक्ट्रिशियन एंड मैकेनिस्ट, कारपेंटर एंड वेल्डर, पेंटर, प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिन एनालिस्ट के लिए ट्रेनिंग पीरियड ऑफ ट्रेनिंग 1 साल का रखा है, जिनके लिए आपको 10वीं पास होना ज़रूरी है। एंड फ्रेशर्स के लिए फिटर, इलेक्ट्रीशियन एंड मैकेनिस्ट, कारपेंटर एंड पेंटर, वेल्डर के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। फिटर, इलेक्ट्रीशियन एंड मैकेनिस्ट, कारपेंटर एंड पेंटर, वेल्डर के लिए यहाँ पर 1 साल 3 महीने का ट्रेनिंग पीरियड रखा है, एंड बाकी ये जो ऊपर के दो हैं इनके लिए 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड रखा है। इसके अलावा MLT रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी के लिए 1 साल 3 महीने का ट्रेनिंग पीरियड रखा है, इसके लिए 12वीं पास होना जरूरी है। अंडर 10+2 सिस्टम आपके पास PCB होना चाहिए यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। एंड अब बढ़ते हैं स्टाइपेंड की ओर। स्टाइपेंड की बात करें तो यार, जो फ्रेशर्स हैं जिन्होंने 10वीं पास कर रखा है, उन्हें 6,000 पर मंथ मिलेगा, एंड
जिन्होंने 12th पास कर रखी है उन्हें 7000 पर मंथ मिलेगा। इसके बाद एक्सपीरियंस आईटीआई जिनके पास नेशनल या फिर स्टेट सर्टिफिकेट है उन्हें मिलेगा 7000 पर मंथ। ठीक है, अब ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है तो मैं बता दूं कि आप 22 मई से लेकर 21 जून शाम 5:30 बजे तक आप अप्लाई कर सकेंगे। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ICF का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का pb.icf.gov.in, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकेंगे। ऑनलाइन मोड अप्लाई कर पाएंगे, ऑफलाइन का ऑप्शन नहीं है। एंड इसके बाद आपको रजिस्टर करना होगा, जो भी बेसिक डिटेल्स होती है, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना पड़ेगा। एंड आपको एक फोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा जिसकी साइज 200 KB से ज़्यादा ना हो। एंड यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपये रखा गया है। SC ST PWBD एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, बिल्कुल निल है। आप फ्री में आप अप्लाई कर सकेंगे। बाकी जो OBC कैटेगरी के हैं या जनरल कैटेगरी के आते हैं उन्हें 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा। एंड इसी के साथ हमारा आज का वीडियो होता समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।